सीजी फास्ट एंकर टू। बस्तर जिले में कुछ ऐसे सघन वनांचल क्षेत्र है जहां के लोग आज भी बुनियादी मूलभूत सड़क सुविधाओं से और विकास कार्यों से कोसों दूर है। जहां पर प्रशासन की आंखें नहीं पहुंच रही है, प्रसिद्ध दर्शनिक तीर्थ स्थल जहां महाशिवरात्रि के पर्व पर हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगता है, जो उड़ीसा के गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, वहां दर्शन के लिए जगदलपुर धनपुंजी से होता है उड़ीसा के मार्ग से 120 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। वन विभाग माचकोट परिक्षेत्र के माध्यम से जगदलपुर से तीरिया होते हुए छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर के खोलाब नदी में बांस की बल्ली और चटाई से निर्माण कर लोगों की आवागमन के लिए सरल रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते से गुप्तेश्वर केवल 45 किलोमीटर पड़ता है, जो गुप्तेश्वर दर्शन जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुगम शॉर्टकट रास्ता होता है। शिवरात्रि गुप्तेश्वर मेला दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वन विभाग के द्वारा नदी में रास्ते के लिए बांस का पुल बनाया गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी त्रोतिया ने बताया कि इस बांस की चटाई का रास्ता बनाने में लगभग 900 बल्ली 2700 बांस का उपयोग किया गया है। ग्राम तिरिया, पुलचा, तोड़ावाड़ा, गोरुगोतान, कालागुड़ा, माचकोट, गुमलवाड़ा के ग्रामीणों और श्रमिकों ने 7 दिन में उक्त चटाई का निर्माण कर रास्ता बनाया है। कोलाब नदी और छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा के बॉर्डर पर गुप्तेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि में मेला लगता है और बाई रोड जगदलपुर से गुप्तेश्वर जाने में लगभग 120 किलोमीटर पड़ता है और ये हमारे छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा में इधर से कोलाब नदी में चटाई बनाने से लगभग 45-50 किलोमीटर पड़ता है और प्रतिवर्ष लगभग बस्तर ज़िले एवं छत्तीसगढ़ के दूर दूर से इस गुप्तेश्वर मंदिर का दर्शन करने के लिए लगभग 8 से 10 हज़ार लोग श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर वन विभाग द्वारा बल्ली और बांस के माध्यम से चटाई निर्माण किया गया है। इस नदी में लगभग 300 मीटर लंबाई में बांस की चटाई के माध्यम से रास्ता बनाया है और इस चटाई का निर्माण ग्राम पुलचा, ग्राम तोलावाड़ा, गोरोगोठान, तिरिया, चौकावाड़ा, तोलावाड़ा और उड़ीसा के श्रमिकों द्वारा बनाया जा रहा है और यह कार्य रविवार तक पूरा हो जाएगा। सोमवार से ही श्रद्धालुओं का आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें लगभग एक्सपर्ट सभी गांवों के 60 से 70 श्रमिक डेली काम कर रहे हैं।